बेटा विजय मेरे भाई समर का दोस्त, लेकिन तुमने देवनारायण, अगर तुम चाहते तो मैं पिताजी को बचा सकते थे। इसे अपनी दोस्ती का हक मांगने आया हूँ। गुस्से की हाल में माधव की बीवी लाजो का मेरे हाथ से खून हो गया है। तुम मेरे दोस्त हो और इतने बड़े वकील हो कि तुम अगर चाहो तो मुझे खून के इल्जाम से साफ साफ बचा सकते हो। मैं कानून से लड़ सकता हूँ, मुजरिम के जुर्म पर पर्दा नहीं डाल सकता। मैं काफी रुपया खर्च करने को तैयार हूँ, मुझे बचा लीजिए, मेरी लाखों की इज्जत पर पानी फिर रहा है। इज्जत तो तुम्हारी उसी वक्त खत्म हो चुकी है जब तुम्हारी इंसानियत में फर्क आया, नीयत में फर्क आया, और अब तुम झूठ को सच करना चाहते हो, ये नामुमकिन है। रुपया दुनिया में सब कुछ कर सकता है वकील साहब, मगर मैं रुपये के खातिर सच्चाई को कुर्बान नहीं कर सकता। तुमने जिंदगी के खेत में जो बोया है उसे काटो। यमुना दास गंगाराम को अदालत मेंबरान जीवाक करते हुए मुसम्मा लाजो के कत्ल का मुजरम करार, जेर दफन 102 ताजी रात हिंद फांसी की सजा देती है। लेकिन तुमने जानबूझकर उन्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। याद रखो, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हारे सुख और शांति में आ पिताजी। मैं देव नारायण के खानदान के एक एक आदमी को अंगारों पर सुलाकर आपकी आत्मा को ठंडक पहुंचाऊंगा, ये मेरा वचन है पिताजी। जब तक हमारी मांगें पूरी न होंगी हम दुकानें नहीं खोलेंगे। क्या कर रहे हो तुम? हम अपना हक मांग रहे हैं। तुम अपना हक मांगो, लेकिन इस तरह नहीं। इस अनाज का एक दाना तुमने अपने खून और पसीने से पैदा किया है, इसे इस तरह बर्बाद न करो। आहा, धन्य है तुम्हारी देशभक्ति, यही तरीका है अपना हक मांगने का। जरा होश में आओ, इन दवाओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जीवनदान देती हैं। अपनी मंजिल पाने के लिए दूसरों को अपनी मंजिल पर पहुंचने से न रोको, अपने ही पत्थर से अपनी जागीर बर्बाद न करो। ये खून मेरा नहीं, तुम्हारा खून है, इंसानियत का खून है। मैं उस वक्त तक तुम्हारा मुकाबला करूंगा जब तक तुम्हारी जहालत इंसानियत में न बदल जाए। वकील देव नारायण मिनिस्टर बनने के लिए इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। हाँ, वोट फॉर वकील देव नारायण, आप अपना कीमती वोट वकील देव नारायण को दीजिए। वोट फॉर वकील देव नारायण, वोट फॉर वकील देव नारायण। मुन्ना, अगर तुम्हारे पिताजी मिनिस्टर बन गए तो फिर यार लोगों के मजे ही मजे हैं। मम्मी देव हाथ बांधे खड़ी रहेगी सामने लाताली। प्यारे, मैं भी तो इसलिए इतनी भाग दौड़ कर रहा हूँ। मेरी जान भाग दौड़ी नहीं, जान लड़ा दो जान, मैं सच कहता हूँ, फिर वही मिसाल हो जाएगी। सैया भये कोतवाल अब डर काहे का लाताली। बेटा विजय। हाँ माँ। भला ये भी कोई पढ़ने का वक्त है? क्या पढ़ रहा है? हेनरी फोर्ड की किताब पढ़ रहा हूँ माँ। क्या आदमी अमीर कैसे सकता है? पर ये सब तुझे पढ़ने की क्या जरूरत है? चल जल्दी से अच्छे कपड़े पहन ले, तेरे पिताजी के चुनाव का नतीजा सुनने चलना है। आजाद भारत के विद्यार्थियों, 15 अगस्त का महान दिन हमारे जीवन में हर साल आता है। मैं आप लोगों को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि आज हमारा मुल्क अमन और शांति चाहने के लिए तो दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन अफसोस सुनो
लोन लिया अपने शहीदों ने सवेरा, रोके से नहीं रुकती है दरिया की रवानी, लो आज सुनो। कितनों का बहा खून सतावन के गदर में, मर मिटने का अरमान था परवानों के सर में, मर मिटने का अरमान था परवानों के सर में। लड़ते रहो आजादी की सुबह है नजर में, ललकार उठे झांसी से यूं लक्ष्मी रानी, लो आज सुनो। इस देश की वो देवी कमर बांध के आई, माता के लिए बेटी ने तलवार उठाई, देने लगे अंग्रेज भी घबरा के दुहाई, गद्दार मगर चल ही गए चाल पुरानी, लो आज सुनो। रानी का बलिदान मगर लोग न भूले, कटते ही रहे ताक चमन देश का फूले, सिंदूर लुटे मांगों के सोने हुए झूले, हंस हंस के लुटा डाली जवानों ने जवानी, लो आज सुनो। लो आज सुनो अपने शहीदों की कहानी, बढ़ते हुए चढ़ते हुए भारत की जबानी, लो आज सुनो। फिर देश में गूंज उठा तिलक जी का ये नारा, आजादी जन्म से है अधिकार हमारा, आजादी जन्म से है अधिकार हमारा, इस नारे ने डूबी हुई नैया को उभारा, हटने लगा मझधार का पानी, लो आज सुनो। रघुपति राघव राजा राम पति पावन तारा, रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीतारा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, रघुपति राघव राजा राम फिर आ गया वो संत जिसे कहते हैं गांधी, काया थी अहिंसा के मगर जोश में आंधी, बिखरी हुई ये काम जो एक तार में बांधी, भारत पे नए रंग से फिर आई जवानी, आज सुनो। जो आज सुनो अपने शहीदों की कहानी, बढ़ते हुए चढ़ते हुए भारत की जबानी, जो आज सुनो। फिर माता का एक और भगत आया भगत सिंह, साफ अपने पहाड़ों का जिगर लाया भगत सिंह, सूली पे भी चढ़ते हुए यूं गाया भगत सिंह, यूं गाया भगत सिंह, मेरा रंग दे बसंती चोला माँ, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माँ, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, बसंती चोला, बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला माँ, मेरा रंग दे बसंती चोला। सूली पे भी चढ़ते हुए यूं गाया भगत सिंह, यूं गाया भगत सिंह, होगी न कभी याद भगत सिंह की पुरानी, लो आज सुनो। काकोरी का एक शेर था पर नाम था बिस्मिल, वो राम का प्रसाद गुलामी का था कातिल, ये कहते हुए और शहीदों से गया मिल, शहीदों से गया मिल, पास जो कुछ भी है माता की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं,
ये कहते हुए आज शहीदों से गया मिल, शहीदों से गया मिल। भूलेंगे न हिंदी कभी उस शेर की वाणी, लो आज सुनो, लो आज सुनो अपने शहीदों की कहानी। बढ़ते हुए भारत की जबानी, लो आज सुनो। बापू के दिखाए हुए रास्ते पे चला दे, सुभाष की और दास की गोदों में पला दे, सुभाष की और दास की गोदों में पला दे, लजपत की और आजाद की सेवा से फला दे, लजपत की और आजाद की सेवा से फला दे। और आज हम सबसे बढ़कर ये भला दे, देखे कोई इस देश में गंगा की रवानी, लो आज सुनो। ने संवारा तो जवाहर ने निखारा, आओ जरा अब सोचे है क्या फर्ज हमारा, आओ जरा अब सोचे है क्या फर्ज हमारा। है लाल किले से ये जवाहर का इशारा, मंझदार से निकले हैं मिला तो है किनारा, पर ये न समझना के हुई खत्म कहानी, जो आज सुनो। देश में जब तक है कोई भी भिखारी, मिट जाए न इस धरती से जब तक भिखारी, समझो के सरासर है ये तौहीन हमारी, समझो के सरासर है ये तौहीन हमारी। पूरी कोशिश करूंगा कि मिनिस्टर साहब आप ज्यादा से ज्यादा मदद करें। शुक्रिया, आप कल आइएगा। अच्छा, नमस्ते। मिस्टर, रॉन्ग नंबर। मैडम, राइट नंबर। ये देवी जी क्या चाहिए? कड़वी बात मीठी कुछ शिकस्ता दिल, नई जवानी चलता जादू, बहकी चाचा चाची खानदान भाई बाप। आपका दिमाग है छापाखाना? छापाखाना? छापाखाना फिलहाल स्टॉक में नहीं है, अलबत्त चिड़ियाखाना, मुसाफिर खाना, दवा खाना, छपा खाना, डाकखाना, सब कुछ। अजी फरमाइए क्या चाहिए? लिस्ट अच्छी लिस्ट तो है कि वो भी जी। क्या ये लिस्ट मैं भी देख सकता हूँ? इंतजार कीजिए। इंतजार कीजिए जी, लेकिन तक सुनिए जी, मुझे एक कॉपी पिया चाहिए। एक्सक्यूज मी, और मुझे सजनी। बहुत अच्छी है, बहन जी को पिया चाहिए और भाई साहब को सजनी, अच्छी चीज है। मैं क्या करता है लाल, और कुड़ी दे वास्ते पिया, तुम वास्ते सजनी नहीं आई। जरा जल्दी। जी हाँ, जल्दी। मैं क्या छेती कर मरे, तेन हजार बार कितना खाना कम खाना कर, एक बार ही खाना। चल लीजिए बहन जी। सजनी लीजिए भाई साहब, सजनी। मैं क्यों
बड़ा सो आदमी है यार। इडियट। आपकी किताब। थैंक यू। Yes, ma'am. Oh, I'm sorry. मैं टेलीफोन कर सकती हूँ? शौक से। Thank you. Thank you. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. हेलो 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 मिजाज तो हुजूर के हैं अच्छे रंग नंबर हेलो 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 रंग नंबर टेलीफोन बंद करो सुनना हुजूर के बच्चे हेलो 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 मेहरबान गर्मी न खाइए राइट नंबर क्या है बताइए जीरो 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 सुन लिया जाइए मोटो के आइए हेलो 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 वो ऐसे नहीं जाने वाले ढूंढते हैं पक्के हेलो 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 नंबर ना सही घर का बता दो ओ मिलोगे कहाँ पर इतना बता दो मिलना जरूर है तो पता सुन लीजिए पहले जाइए दाएं फिर जाइए बाएं बाएं जाके दाएं जाइए दाएं जाके बाएं जाइए सीधे जाइए टेढ़े जाइए आगे जाइए पीछे जाइए बंगले का नाम है जहन्नुम आइए तशरीफ लाइए हेलो 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 ओ जरा ऊंचा बोलिए जी जरा ऊंचा बोलिए कुछ नहीं पड़ा मेरे पल्ले हेलो 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 मिजाज तो हुजूर के हैं अच्छे रंग नंबर टेलीफोन बंद करो सुनना हुजूर के बच्चे हेलो 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 खिल को निकले कमाल के मगर तुम सिप को इश्क कहाँ का डर के जो खिसके बात वो ही बात है दिल में जो चिपके रंग नंबर टेलीफोन बंद करो राइट नंबर बात करो बात करो रंग नंबर राइट नंबर अब तो ये मान लो के हम हैं सच्चे हेलो 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 मिजाज तो हुजूर के हैं अच्छे थैंक यू बड़े अच्छे हेलो मैं आ सकती हूँ रेखा हाँ क्या कर रही हो सर भैया इसे नहीं मिलेगा पहले आंखें बंद करो तो अच्छा तो लो आंखें बंद कर लो अब देखो तो कैसा रहा तोहफा आज तो तुमने मुझे बहुत कुछ दे दिया रेखा पसंद आया ना बहुत लो भाई इस दरख्वास्त को रद्द कर दो दरख्वास्त कैसी बैंक में कैशियर की जगह खाली थी और मेरा भाई है ना समर कैसी हवेली जी हाँ पूरी हवेली और ये लीजिए उसकी क्या देवनारायण जी इंसान नहीं देवता है चलो
ये मिस्टर दिखता नहीं है क्या? इसको तो जरूर मजा चखाना चाहिए। चलो ए मिस्टर। अरे भाई हाथ खाली नहीं आए। वाह 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 वाह, क्या पेंटिंग हुई है, जवाब नहीं है। गोरे गोरे रंग पर काले काले छींटे ला डाली, मजा दे रहे हैं। मैं कहती हूँ हम भी कितने उल्लू हैं, घर में न जाने किस मिट्टी के बने हुए हो तुम। मट्टी तो एक ही है मेम साहब, मगर बनाने वाले ने जरा टच अलग अलग दे दिए हैं। आप खफा क्यों होती हैं, अपने कपड़ों की कीमत लीजिए। ओह ये क्या है मेम साहब, देखो दवा पकड़िए। ओह कोई बात नहीं जी। चंदा ये था अपने बुजुर्गों का धंधा, उनको भी राशन आया था मेम साहब। एक बार मेरे वालद साहब ने 10 रुपए चंदे में दे दिए, फौरन 10 मिनट के बाद उनका हार्ट फेल हो गया। तब से मैंने ये धंधा ही छोड़ दिया है, मगर आप दो चार आने ले जाइए ताकि आपके गुस्से की गर्मी बर्फ हो जाए। तुम क्या चंदा दोगे, तुम्हें तो खुद चंदे की जरूरत है। चंदा तो दिया है मिस्टर देवनारायण ने, 100-200 नहीं पूरी हवेली दान कर दी है। अजी उनका क्या क्या फरमाया आपने, हवेली दान कर दी है जी। कोई बात नहीं, उन्होंने हवेली दान किया तो हम जान कुर्बान कर सकते हैं। बको मत, अगर ज्यादा बकबक की तो पुलिस को बुलवा कर जेल करवा दूंगी। अरे जेल क्या, आप फांसी चढ़ा दीजिए मगर इस रेशमी दुपट्टे से। जरा मुस्कुरा दीजिए। पसंद आई मुस्कुराहट जी, वेरी गुड। चलो यहाँ से। अरे मैम साहब ये मुस्कुराहट थी या बिजली का करंट? तौबा है, जवाब नहीं है। ओहो जाते जाते गालों पर दस्तखत भी कर गई थी। शुक्र कान बच गया। ये क्या हुआ? अरे मुन्ना एक लड़की बिजली के रूप में आई थी चंदा मांगने और साइन करके चली गई। तो फिर तुमने चंदा दिया? नहीं, मेरा दिमाग खराब है क्या? चंदा तो तुम्हारे पिताजी ने दिया है। अरे वो हवेली दान में दे दिया जो खाली पड़ी थी। हवेली दान में दे दी? जी जनाब। क्या कहते हो? मैं सच कहता हूँ मुन्ना, अगर तुम्हारे पिताजी की दान की रफ्तार यही रही ना तो एक दिन तुम्हें भी दान में दे देंगे। समझ? देखो भाई बात कड़वी है मगर मैं मुंह पर कहता हूँ। दरअसल बात यह है कि तुम्हारे पिताजी का कोई कसूर नहीं है, सब कमजोरी तुम्हारी है। मेरी क्या कमजोरी है साहब? प्यारे अगर तुम इसी तरह गूंगे बहरे बने रहे तो ऐसा ही होगा। लाली आज उन्होंने हवेली दान दी है तो कल कपड़े लत्ते दान देंगे, परसों साजो सामान दान कर देंगे, गरज के सब कुछ दान करके राजा हरिश्चंद्र की तरह। नहीं आखिर हवेली पर मेरा भी हक है, मैं भी पिताजी से जाके पूछता हूँ। हाँ ये तो बात हुई ना मर्दों की, प्यारे इसी रफ्तार से जाना, इसी चाल से जाना, वहाँ जाकर ठंडे नहीं पड़ा। अल्लाह ताली ये तो कोई बात हुई ना, हम तो हमारी मर्जी के बगैर हवेली कैसे चली जाएगी। पिताजी। विजय मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बहुत दिनों से कहता कि मैं खुद तुमसे कुछ कहूँ, लेकिन खैर पहले तुम कहो। जी कहो। मैंने सुना है आपने उस पुरानी हवेली को राष्ट्रीय मंदिर बनाने के लिए दान कर दिया है, जिसे कि मैं क्लब बनाना चाहता था। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि उस जायदाद पर आखिर मेरा भी तो हक है, मेरा भी तो हिस्सा है। मेरे होते हुए आप विजय ने... तुम नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे पर्दे में तुम्हारे दोस्त बोल रहे हैं, तुम्हारी सोसाइटी बोल रही है। तुम उस बाप से हक मांगने आए हो जिसका तुम्हारे एक रुए पर हक है। मगर पिताजी खामोश, हमें नहीं मालूम था कि हमारा खून इस कदर खुदगर्ज और जलील हो जाएगा। चले जाओ यहां से। ये है गोंगोला, दिमाग उत्तर करता है। ये है मंगोला, दिमाग को शांत करता है। और ये है चकोला, दिमाग के हर बीमारी को मिटाता है। और इससे भी काम बनता होगा तो मेरे पास पानी गोला है। जब तुम मेरी परेशानी को समझते हुए छेड़छाड़ से बात नहीं आते। दुनिया के बाप औलाद के लिए जायदाद बनाते हैं और मेरे बाप ने जायदाद दान कर दी। मैं पूछता हूँ आखिर ऐसा क्यों? भैया ये बाप लोग ऐसे ही होते हैं। मेरे बाप को देखो, जब मैं 5 साल का था नन्ना मुन्ना तो मेरा पासपोर्ट तैयार होने के पहले अपना टिकट करवा के चला गया। मगर तुम्हारे बाप ने तुम्हें लिखाया पढ़ाया खिला पिला के हट्टा कट्टा किया तेरा, और क्या करता। अगर तुम्हें गुस्सा है तो अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। ठीक कहते हो डब्बू, अब ऐसा ही होगा।
ऐसा ही होगा। मैं कहता हूँ हमारे साथ रहोगे ना तो चंद प्रार्थना सुनो स्वामी जी, सुनो जी इसकी प्रार्थना, बैठो जी बैठो। प्रार्थना मैंने बहुत प्रार्थना की है, बोलो आशीर्वाद दो जी। होगा जरूर होगा, क्या होगा एक स्वामी जी तुम सुना पुत्र होगा जी, ये लो जी रसोई करो जी, रसोई खाना खाओ जी, छापड़ा जी। आप अपने हाथ से कभी नहीं खाता, हम खिलाता जी आपके हाथ अपने हाथ से, हम स्त्री का हाथ कभी कभी नहीं खाता। मर्द कहाँ से लेके आए बच्चा, तुम अपने हाथ से हमको। मैं सुना मैं स्वामी जी मिला जी, क्या करे लौकी जी स्वामी ना उसको बुला। स्वामी मुझे उसमें हम कद आज जीजा जी का दोस्त, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि तुम जीजा जी से कहकर मुझे बता लो। लेकिन वो क्या कर सकते हैं दीदी, कानून तो जीजा जी की जेब में पड़ा है, उनके एक लफ्ज पर मैं बच सकता हूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कानून कानून के घर से नहीं टूटेगा, इस तरह विश्वास की मौत हो जाएगी। जो जनता को अंतर है मैं उनसे कुछ नहीं कहूंगी। अगर तुम कुछ ना कहोगे तो जानती हो क्या होगा, जेल हो जाएगी मुझे। इतना डर था तो ऐसा किया ही क्यों? कुछ ना पूछो, गलती हो गई मुझसे, लेकिन अगर तुम चाहो तो मुझे बचा सकती हो, अगर तुम ना कहोगी तो जीजा जी से मिलकर मैं। भैया मुजरिम के लिए इस घर में कोई सहारा नहीं। दीदी मैं तुमसे छोटी सी मदद मांगता हूँ। भाई बहन से मांगा नहीं दिया करते हैं, मैं तुम्हारी खातिर उनकी इज्जत को खाक में मिलने नहीं दूंगी। चली जाओ, मैं तुम्हारे घर आया हूँ दीदी, मुझे यूं ना निकालो, मुझे बचा लो दीदी, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, मैं तुम्हें अपने प्यार की कसम देता हूँ दीदी, मुझे बचा लो। छोड़ दो भैया मेरे पांव, छोड़ दो छोड़ दो, मैं तुम्हें अपने सुहाग की कसम देती हूँ। और फिर ये समझकर इस घर में कभी नहीं आना, तुम्हारे जीजाजी मिनिस्टर है और वो एक मुजरिम को कानून से बचा सकते हैं। चले जाओ यहाँ। बहुत कीमती है तुम्हारे आंसू कल्याणी। आप आ गए, हाँ तो विजय मैं भी ये तुमसे कह रहा था कि आज रात का प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त रहने वाला है, आना जरूर है, भूलना नहीं। ओके दिया, अच्छा बाय बाय। ड्रिंक्स प्लीज। नो थैंक यू, मैं शराब नहीं पीता। उसमें मिस रूबी तुम्हारी अकल भी मोटी है, इन्हें और कोई शौक नहीं है, ये तो सिर्फ रुपया इकट्ठा करना चाहते हैं। ओके बाय। विजय और इन लोगों के साथ? नहीं मिश्रा जी, आपकी पार्टी की ये मांग नाजायज है, गवर्नमेंट इस साल ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, अब अगले साल देखा जाएगा। जय हिंद। क्या मैं हाजिर हो सकता हूँ? आओ प्रभात सिंह आओ। अरे भैया मिनिस्टर क्या बने, तुमने तो हमारी दोस्ती ही बुला दी, कितने दिनों बाद आए हो, बैठो बैठो। और सुनाओ क्या हाल है? आपकी दुआ है, आप फरमाइए। अपना विजय आजकल क्या कर रहा है? वो क्या करेगा माँ का लाडला, देखो बैंक में नौकरी मिल गई है, करता है या नहीं। माँ मैं पिताजी की तरह अच्छा आदमी बनकर दुनिया के सामने झुकना नहीं चाहता, बल्कि दुनिया को अपने सामने झुकाना चाहता हूँ। और नौकरी से? जरूर कर लो ये नौकरी, लाखों कमाओगे नहीं मगर लाखों को देखने का ख्वाब तो पूरा हो जाएगा। तुम कभी चुप भी रहोगे? मैं चुप नहीं रह सकता। विजय भैया से नौकरी करवानी है तो पहले पाँव में डाल दो। बेड़ी? हाँ यानी कि शादी ब्याह मैरिज। तुम ठीक कहते हो, अब मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा।
कैसी कहानी क्यों रे मोटी अकल, ये नई पट्टी क्या पढ़ा दी माँ को? ये तो शुरुआत है, आज ये बात कही कल उसका पता बता दूंगा और परसों बेबी फोर तुम्हारे के लिए बांध दूंगा। कौन रेखा? हम 4 घंटे लाइन में खड़ा होके ये टिकट लेके आया जी लॉटरी का। लॉटरी का टिकट? वाह 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 वाह। ये क्या है? ये ड्रामा टिकट है? ड्रामा का? हाँ डांस के टिकट है। ये डांस बताऊं कैसे करता हूँ? बस ना पैसा होने वाला है तो आप लोग देखने का नहीं है। आलू टमाटर आयो आदमी का हमारा सितारा बिल्कुल नहीं मिलता, हम इधर जाती है तो वो उधर जाता है। भगवान मेरा माँ बाप कैसे आदमी के साथ शादी किया, आयो कितना टूटा फूटा आदमी है देव बा। अरे उसका क्या भरोसा, कभी निकलती हूँ। क्या बात है? हम तुम्हारे वास्ते ड्रामे का टिकट लाया है। ड्रामे का? मैं शाम आई है क्या? नहीं मैं नहीं आता। नहीं डार्लिंग, ऐसी बात मत करो, ऐसी बात करो, मुझसे बात करो। तुमको आने को सकते क्या हुआ? क्या करता फिर? देखो एक बात है, तुम हमको सजा करने का फिर दोबारा कभी बहुत तुमका सर्दी लगता है। अब तुम चौकरी लौट कर इधर घुमाने को घुमाता ये मारता है। मैं तुमका घुमाता तो मैं झूठ बोल रहा था। मेरे अंदर क्या बुराई है? देखो ये वो तो बुराई बोलो, बुराई भरी हुई है। ये ना बुराई भरी हुई है, फूल ना फूल जरी। तुम दूसरा लोग का पति लोग के साथ घूमने को जाता, तेरे को दूसरा पति नहीं मिलता है? अगर मेरे पति के साथ फिर घूमो तो तेरा बहुत ही बंदर बना दे। हम तुम्हारा मर्द के साथ शादी बनाए, तुमको डाइवोर्स दिलाएगा उसके बाद तुम चौपाटी। महान आदमी को जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए। देखिए आपके हाथ जल गए। तो क्या हुआ, अगर हम अपने हाथ भी नहीं जलाएंगे तो जनता से कैसे जलाएं? हमें खुशी है कि आज एक हरिजन की जान बच गई। अच्छा जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जीते रहो, भगवान तुम्हारे स्वभाव को अमर रखे। बहू मुझे वचन दो कि तुम हमेशा सच्चाई पर चलोगे। मैं वचन देती हूँ कि इस घर की दीवारें हमेशा सच्चाई की बुनियाद पर खड़ी रहेंगी। जीती रहो। सुंदरलाल जी, आपने तो कैसे तकलीफ फरमाई? भाई तुमने समर के साथ आने से इनकार कर दिया, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। वो नवाब सोनापुर है ना, वो आए हुए हैं और उन्हें इसका बड़ा शौक है, लेकिन है बिल्कुल बुद्धू। मगर आज की रात तो हाँ 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 मैं जानता हूँ भाई, आज की रात तुम्हारी सुहाग की रात है, लेकिन नवाब साहब कल चले जाएंगे और सुहाग की रात आज नहीं कल मना लेना। चलो आप। मगर सुनिए तो, अगर पिताजी को पता चल गया
तो मुझे घर से ही नहीं बल्कि शहर से निकलवा देंगे। चलते हो या नहीं? नहीं नहीं। अच्छा तो फिर मुझे तुम्हारे पिताजी से इजाजत लेनी पड़ेगी। मुझे उन्हें ये बता देना पड़ेगा कि तुम दौलतमंद बनने के लिए हर इतवार के दिन रेस और हर रात को जुआ खेलते हो। सुंदरलाल जी, आप मेरी मजबूरियों का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं मजबूरियों का नाजायज फायदा नहीं उठा रहा हूँ। मैं तुम्हें गोल्डन चांस दे रहा हूँ मेरे दोस्त, ऐसा गोल्डन चांस जिसमें हम दोनों का फायदा है। चलो चलो ना। चांसमु तालिबे दीदार, जरा रुख से घूंघट तो हटा दो मेरी सरकार। जरा माफ करना, चांद को बहुत देर बादलों में रहना पड़ा, शर्माने से काम नहीं चलेगा। मेरी तरफ देखो, मुस्कुरा। चरी आते हैं? पहली मुलाकात का तो इसी में मजा है। पहली मुलाकात? पहली मुलाकात तो रॉन्ग नंबर। राइट नंबर। अयो देवा देवा, तुम कितना अच्छा है। मेरे पति को मैं जैसा सुला के गई वैसे ही तोता मिलता है। ये देव तुम कितना अच्छा कर दिया, जिंदगी में कभी नहीं सोया था, गोली से एकदम सो गया। सो जी स्वामीनाथ। ये स्वामीनाथ, स्वामीनाथ, ये स्वामीनाथ, ये सोगी सोगी सो बाबा सो। कितना मादार बच्चा। ये जरा चाबी दियो जी प्रेम से, हमको जेवर अंदर रखने का है जी। अयो जरा देना जी जल्दी से। ये स्वामीनाथ, स्वामीनाथ इधर छोटा था, इधर कैसे आ गया? अय्या ये तुम इधर कैसे आ गया जी? हम सब कुछ आ गया, आज अब खाप गिरा है कि चोर आने वाले हैं, इसलिए मैं कमर के पास बैठा हूँ। अयो जो चोर आने वाले, जल्दी दियो जी चाबी, हम इसको अंदर रखती थी। हम बोल शर्म नहीं आता आपसे, गले में हाथ डालता तू। अच्छा जो आपा, अभी तुमको क्या हो गया जी? ये आपा तुम्हारे होते हुए फुलझड़ी कैसे अंदर आया? इसको निकालो जी, इसको निकालो आपा, इसका हड्डी पतली बराबर करो, बोरे पत्थर चौपाटी कर दो आपा। इधर आना जी, बाहर निकलो। या फूल झाड़ी अंदर कैसे आया? वो अंदर नहीं आया, मत पता नहीं, हम थोड़ा सा हुआ।
को तेरी तलाश है तेरी जुस्तजू आजा कहाँ छुपी है मेरे दिल की आरज़ू मुझको तेरी तलाश है Yeah.
ना मेहरबान ये दिल दीव हो गया सुन ले मेरे दास्तां ये दिल दीवाना तेरा हो गया तलाश है तेरी ही जुस्तजू आजा कहाँ छुपी है मेरे दिल की आरज़ू मुझको तेरी तलाश है थैंक यू सोसी मैं अगर आपकी ये चोरी मैं माताजी पर जाहिर कर दूं तो तुम ऐसा नहीं कर सकती इसलिए कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है भरोसा ज्यादा दिन नहीं चलेगा रेत खेलना बुरी आदत है छोड़ दीजिए नहीं तो मैं माताजी से कह दूंगी ऐसा मत करना रेखा तुम्हें मेरी स्वागत है झूठ बोलना पाप है मैं झूठ नहीं बोलूंगी सच्चाई की देवी सुंदरलाल जी रुपया तो ले आए होंगे नहीं भाई कल इंस्पेक्टर प्रभात सिंह होटल पे धावा बोल दिया रुपए का इंतजाम नहीं हो सका इसका मतलब कल की हम चौपट है नहीं 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 रेस का प्रोग्राम क्यों चौपट बैंक के कैशियर होकर ऐसी बातें कर रहे हो हा? सुनो नहीं नहीं मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता देखो आज शनिचर बैंक से 50,000 रुपए निकाल लो कल इतवार के दिन रेस में 1-2 कर देंगे और सोमवार को बैंक का रुपया बैंक में वापस लौटा देंगे मगर ये सरासर जुर्म है अच्छा जी
तो इससे पहले हम कौन से कानूनी रास्ते से दौलत हासिल करना चाहते थे? वो सब भी तो जुर्म था, गैर कानूनी था है? और इस बात का तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, यूं काम हो जाएगा ये। चलो आओ ना। लाल जी, आज का दिन बहुत बुरा गया। नहीं 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 नहीं, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में। ये तो ठीक है, मगर शायद आप भूलते हैं कि रुपया बैंक का था। मैं बैंक वालों को क्या जवाब दूंगा, पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ। विजय घर पर है? नहीं वो तो नहीं है। क्यों, क्या बात है? वो 50 नोट बैंक से लेकर गायब है। कौन, विजय? अब आप ही बतलाइए मैं क्या करूं। ये मशवरा तुम मुझसे ले रहे हो? अगर वो मुजरिम है तो फौरन पुलिस को इत्तला कर दो, उसकी गिरफ्तारी कानूनन जरूरी है। अच्छी बात है। हेलो इंस्पेक्टर प्रभात सिंह। जी हाँ। क्या विजय मिस्टर देवनारायण का लड़का? बड़े अफसोस की बात है। खैर मैं वारंट जारी किए देता हूं। हवलदार। घबराहट से मुझे डर लग रहा है। क्या बात है रेखा? मुझसे न छुपाइए, मैं तो आपकी जिंदगी की साथी हूँ। साथी ही समझ कर तो तुम्हें बुलाया मैंने। अच्छा जल्दी से पैसे दे दो, जल्दी करो। लेकिन आप ये सुनिए तो, पुलिस। हाँ? विजय नारायण यही कहीं होगा। चलो मेरे साथ। तुम यहाँ कैसे? मैं अपने दोस्त से मिलने आया था। ये झूठ तुम्हें महंगा पड़ेगा विजय। मुझे धमकाने की कोशिश ना करो। नादान ना बनो विजय, पुलिस को तुम्हारे खिलाफ तमाम सबूत मिल चुके हैं। सबूत? पुलिस सबूत पाकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। जानते हो मैं किसका बेटा? यही तो अफसोस है विजय, ये मत समझो कि तुम एक मिनिस्टर के लड़के हो, इसलिए कानून का हाथ तुम तक ना पहुंच सकेगा। तुम अगर मिनिस्टर के बेटे हो तो मैं कानून का बेटा हूं, और इन दोनों बेटों के टकराव का नतीजा अच्छा ना होगा विजय। आखिर आप कहना क्या चाहते? अभी भी वक्त, अपना जुर्म तस्लीम कर लो और अपने देवता समान पाप की दुनिया के सामने झुकने से बचा लो। मुझे तुमसे हमदर्दी है विजय। अगर आपको मुझसे हमदर्दी है तो मैं रास्ते से हट जाइए, और ये रही उसकी कीमत। इंस्पेक्टर साहब आप दौलत से दुनिया खरीद सकते हैं, मगर तुम दौलत से कानून नहीं खरीद सकते। तुमने दूसरा जुर्म किया, पुलिस को रिश्वत देने के इल्जाम में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं।
बच्चे नहीं, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। विजय अच्छा प्रभात सिंह, प्रभात सिंह वर्ष का वो भारी पत्थर है जिसे आसानी से धकेल कर तुम नहीं जा सकते। मैं कहता हूं हाँ विजय, हवलदार तुम मेरी चिंता ना करो, खूनी का पीछा करो, भागने ना पाए, जल्दी करो जल्दी। बहू मुझे दुख है कि मेरी मौत तुम्हारे सुहाग पर मैं राम ठोक कर मुझे लिए जा रही, मगर मुझे खुशी है मेरी मौत से। स्वामी ने क्या किया आपने ये खून? खामोश, अगर तुम्हें मेरी जिंदगी प्यारी है मैं हाथ संगली अंधेरा होने से पहले ही शाम हो रही है और आप कहते हैं कि मैं घबराऊं नहीं। मुझे कुछ नहीं होगा रेखा, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं बेमौत मर जाऊंगी। ऐसा नहीं हो सकता रेखा, तुम मुझे बचा लोगी। मैं कैसे बच सकती हूँ? आपको देखा गवाह सिर्फ एक तुम ही हो रेखा, और मुझे तो तुम्हारी जबान मेरे खिलाफ कभी नहीं कुछ सकती। रेखा मेरी जिंदगी और मौत तुम्हारे होंठों में बंद है। पुलिस ने मुजरिम को खाते हुए देखा लेकिन आंखों जैसा गवाह से रेखा देनी है। आ रही हो? जी मैं जरा वो अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोला करते। देखिए बाबूजी, लता ने आपसे शिकायत की होगी, मैंने उसे नहीं मारा, वो आप ही गिर गई थी। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ बाबूजी। बहू तुम विजय को जिस पर्दे में है कि वो उसमें छुप न सकेगा। कैसा पर्दा? मैं क्या जानू, मुझे क्या खबर? तुम्हें सब कुछ मालूम है, बताओ विजय कहाँ है? जी वो कहाँ है मुझे नहीं मालूम। आज हमारी बहू हमसे पहली बार झूठ बोल रही है, तुम्हारी घबराहट तुमसे ज्यादा सच कह रही है। नहीं आप विश्वास कीजिए। विश्वास तो तुमने तोड़ दिया बहू, अफसोस कि आज तुम अपना वो वचन भी भूल गई जो तुमने मुझे इस घर में कदम रखने से पहले दिया था कि इस घर की दीवारें सच्चाई की बुनियाद पर खड़ी रहेंगी। इस बारे में मुझसे कुछ न पूछिए। तुम अपने साथ मुझे भी धोखा दे रही हो। मैं पत्नी धर्म का पालन कर रही हूँ। पत्नी धर्म से देश धर्म कहीं ज्यादा है बहू, उधर देखो वो क्या है? राष्ट्र चिन्ह। क्या लिखा है उस पर पढ़ो, और इतनी जोर से पढ़ो कि तुम्हारी आत्मा सच बोलने पर मजबूर हो जाए। सत्यमेव जयते। तुम्हारे पति की जिंदगी और मौत तुम्हारे होठों में बंद है। तुम सच नहीं बोलोगी। फर्ज इंसान को इससे भी ज्यादा सख्त इम्तिहान में डाल सकता है, और फर्ज वालों को चाहिए कि वो पत्थर का कलेजा रख कर जिए। बताओ विजय कहाँ है? बाबूजी वो मैं कैसे बताऊं कि
मुझे क्या मालूम है, मैं कुछ ना बता सकूंगी बाबूजी, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। सच्चाई, धर्म, पति, अब तुम्हें भगवान के मैं अपने मुंह से कैसे कह दूं कि मेरा पति खूनी है। अब तुम्हें न्याय करो भगवान। भगवान ने न्याय कर दिया बहू। बाबूजी, नहीं, बाबूजी, वो मेरा सौभाग्य है। हमें ये जानकर खुशी हुई कि तुम्हें अपने सुहाग से मोहब्बत है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा मोहब्बत हमें अपने बेटे से है। तो आप उन्हें बचा लेंगे ना बाबूजी? बचा लेंगे ना बाबूजी? बाबूजी, बाबूजी, आहा, जय जय आहा, आहा, हे हे। इजी बीबी को घर पे पिटला के तुम बाहर क्यों जाते हो? जब घर में चूल्हा जलता है फिर होटल में चुपते हो? बीबी को घर पे पिटला के तुम बाहर क्यों जाते हो? जब घर में चूल्हा जलता है फिर होटल में क्यों खाते हो? बात बात पे शक करना ये औरत ही का हिस्सा है। अरे बात बात पे शक करना ये औरत ही का हिस्सा है। मियां बीवी का झगड़ा तो बड़ा पुराना किस्सा है। जरा कहो तो इस झगड़े की नौबत ही बुलाते हो? जब घर में चूल्हा जलता है फिर होटल में क्यों खाते हो? हाँ हाँ सही, झगड़ालू है इस दुनिया की हर श्रीमती। जन्म से ही झगड़ालू है इस दुनिया की हर श्रीमती। क्यों ना रही कुमारी जी तुम चाहे को फिर बने पति? पति बने तो श्रीमती से अब क्यों आंख चुराते हो? जब घर में चूल्हा जलता है फिर होल में क्यों खाते हो? बीवी को घर पे बिठला के तुम बाहर क्यों जाते हो? जब घर में चूल्हा है फिर होटल में क्यों खाते हो? शादी का मतलब क्या तुमको बांध के रखे पल्ले से? ओ शादी का मतलब क्या तुमको बांध के रखे पल्ले से? दुनिया क्या क्या कहती है जरा पूछो गली मोहल्ले से। सुबह के निकले कहाँ से आधी आधी रात को आते हो? जब घर में चूल्हा जलता है फिर होटल में क्यों खाते हो? आहा, जा जा, ओ, ओ, हे, 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 हा, हा। जिन्हें देख लिया तो जानता है क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसा लगा इससे पहले कि घर के किसी आदमी ने देखे तो यहाँ से भाग गया बेटा, भाग गया। भाग जा, मगर मैं दुनिया से कब तक मुंह छुपाता फिरूंगा? माँ माँ, मुझे पैसे चाहिए, मैं पैसे लेने आया हूँ माँ। पैसे? अब फिर तुझे पैसे चाहिए बेटा? हाँ, मुझे मुकदमा लड़ना है माँ, जल्दी करो, ऐसा ना हो कि पुलिस आके मुझे घेर ले। मेरे पास पैसे कहाँ? एक माँ के पास बेटे को बचाने के लिए पैसे नहीं, मेरी जान खतरे में हो तुम कहती हो तुम्हारे पास पैसे नहीं? क्या तुम्हें मेरी जान प्यारी है माँ? हाँ बेटा, यही मेरे पास सब कुछ है बेटा, तेरी बहन की शादी के लिए रखे थे। तो घबराती क्यों है? मैं मुकदमा जीत जाऊंगा तो इसे दुनिया बना दूंगा। भगवान तेरी सहायता करे बेटा।
पीछे मत, मैं जाता हूं। कौन है? कौन? कौन है? पिताजी ने आप देख लिया है, वो आपका पीछा कर रहे हैं, जल्दी से भाग जाइए। बहू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। कारण जो परजुदूरा रह गया है उसे पूरा करने जा रहा हूं। तो क्या आप इसे पुलिस के हवाले कर देंगे? अगर मेरा बुढ़ापा उसकी जवानी को पकड़ सका तो जरूर ऐसा होगा। मगर खूनी है और खूनी को पुलिस के हवाले करना हर शहरी का फर्ज है। हट जाओ कि हमें यह फर्ज पूरा करना। जो तुमने भागने के लिए आगे कदम भी उठाया। बाबूजी, अब तुम्हारे सामने दो सूरतें हैं। एक तो ये कि मेरे साथ चलकर खुद को पुलिस के हवाले कर दो, दूसरी ये बाप अपने बेटे के लहू में हाथ रंगने पर मजबूर हो जाए। बताओ तुम्हें कौन सी सूरत पसंद है? अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो मैं रास्ता भी क्यों रोकते? ये भी तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम भटकते हुए मेरे ही रास्ते में आ गए। चलो मेरे साथ। अगर मैं आपके साथ जाने से इनकार कर दूं तो जो बाप तुम्हें जन्म दे सकता है वो तो तुम्हें मार भी सकता है। तो क्या आप मुझ पर गोली चला देंगे? अगर तुम्हारी जिद ने मेरी बात को समझने से इनकार कर दिया तो जरूर ऐसा होगा। तो फिर चलाइए गोली, मैंने भी कदम बढ़ाकर पीछे हटना नहीं सीखा। विजय, अगर दूसरा कदम उठाया तो गोली तुम्हारे जिस्म के पार होगी। ले जाओ इस मुजरिम को।
बहते आंसू उनकी जुबान जिन आंखों से प्रीतम दूर बसे उन आंखों में नींद कहां जिन आंखों से प्रीतम दूर बसे ये रोना नहीं जानती क्या हम उसके बाप नहीं हैं यही तो रोना है क्या आप बाप है मां नहीं आप इतने बड़े चाहे तो मेरे बच्चे को बचा सकते मेरे बच्चे को बचा लीजिए हमारा दामन एक ही बेटे से भरा इस दामन को भरा रखने के लिए मैं फर्ज को दान में नहीं दे सकता तुम्हारी ममता को हंसाने के लिए मैं न्याय को नहीं रुला सकता अपने सहारे के खातिर मैं उन सहारों को नहीं गिरा सकता जिन पर इंसाफ और कानून की दीवार खड़ी है इंसाफ और कानून को बचाना आपका फर्ज तो क्या बेटे को बचाना एक बाप का फर्ज नहीं नहीं चाहिए मुझे वो मुजरिम बेटा जिसने कानून के एक मुहाफिज को मौत की नींद सुला दिया जिसने इंसाफ के सफेद दामन पर खून के छींटे उड़ा दिए तो बुझा दीजिए इस घर के चिराग को मिटा दीजिए बुढ़ापे के नाम चिराग बुझता है बुझ जाने दो घर का सुख लुटता है लुट जाने दो कुल का नाम मिटता है मिट जाने दो मगर मत मांगो हमसे उस खूनी की जिंदगी हम न्याय पर एक बेटा तो क्या बेटे भी हो तो हंसते हंसते कुर्बान कर सकते हैं हमारे देश का न्याय अमर है और अमर रहेगा चूली पे भी चढ़ते हुए यूं गाया भगत सिंह यूं गाया भगत सिंह मेरा रंग दे बसंती चोला माँ मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला माँ मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला माँ मेरा रंग दे बसंती चोला सूली पे भी चढ़ते हुए यूं गाया भगत सिंह यूं गाया भगत सिंह होगी न कभी याद भगत सिंह की पुरानी हो आज सुनो देवनारायण जी मैं बेटी के सुहाग की रक्षा करूंगा शहर के चार बड़े बड़े वकीलों और रेखा की गवाही की मदद से विजय को मौत के मुंह से बचा लूंगा झूठी गवाही जरूर बचा लेगी लेकिन ये मत भूलो दीनानाथ कि एक मुजरिम बचाना 100 मुजरिम पैदा करना है मैं आपकी नसीहतें सुनने नहीं आया अपनी बेटी को लेने आया हूँ चलो बेटी पिताजी लड़की ससुराल डोले में बैठकर आती है और उस घर से वो नहीं उसकी अर्थी जाती है और अपने स्वार्थी पिता से ये भी कह दो बहू कि तुम अदालत में वही बयान दोगी जो तुमने अपनी आंखों से देखा ऐसा कभी नहीं हो सकता आप अपने उसूलों की छुरी से मेरी बेटी की मांग का तेंदुर सुरच रहे हैं बेटी तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम्हें अपना सुहाग प्यारा है या इनकी आन हाँ बहू हम भी तुम्हारा फैसला सुनना चाहते हैं जवाब दो बेटी हाँ बहू सुना दो अपना फैसला बहू हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक हम तुम्हारा सुनेंगे न हम अन्न छुएंगे न जल पिताजी ने मेरे हाथ से भी आज खाना नहीं खाया
8 दिन हो गए, बाबूजी ने खाना नहीं खाया। अगर वो इसी तरह अपने वचन पर कायम रहे तो बाबूजी की बात मान लो रेखा, बाबूजी की बात मान लो रेखा, बाबूजी की बात मान लो रेखा, बाबूजी का कहना मान लो रेखा। ठीक है, मैं इस बार मैं बाबूजी को खाना खिलाऊंगी, मैं उन्हें दवा पिलाऊंगी, मैं उन्हें दवा पिलाऊंगी। बाबूजी दवा पी लीजिए। मैं तुम्हारे सुहाग को जहर के घूंट पिलाने पर तुला हूँ, फिर भी तुम मुझे दवा पिला रही हो। सब इंसान को इससे भी ज्यादा सख्त इम्तिहान में डाल सकता है बाबूजी, और फर्ज वालों को चाहिए कि वो पत्थर के कलेजे रखकर जिए। बहू बनकर हमें राय मत दो, तुम हमारी जगह होती तो क्या करती। जिन्हीं आंखों ने पति का जुर्म भी देखा है और अभी पति को देखकर पति पहचानते हुए भी उनके जुर्म को कैसे छुपाएंगी। गोया तुम्हारे संसार में हमारी वजह से अंधेरा हो भी जाए तो कल्याणी की तरह तुम्हारी आंखों में शिकायत नहीं होगी। जो शिकायत आंखों में छलक आए उसकी कीमत ही क्या। आज आपने माँ के आंसू देखे हैं, कल मेरा दुख रुलाएगा। आप इन कमजोरियों में घिर गए तो बाप की जीत और मिनिस्टर की हार हो जाएगी। मिनिस्टर की हार न देखो बहू, ये बताओ अगर बाप अपने बेटे को बचाना चाहे तो बहू की हैसियत से तुम बाप का साथ दोगी। उन्हें बचाने के लिए मेरा हर सांस दुआ बनकर आपका साथ देगा बाबूजी। एक तरफ मेरा सुहाग है और दूसरी तरफ आपका कर्तव्य, लेकिन मैं अपने सुहाग के लिए आपकी आन दांव पर नहीं लगाऊंगी। मैं उन दीवारों को नहीं गिराऊंगी जो आपने सच्चाई की बुनियाद पर खड़ी की हैं। बाबूजी दवा पी लीजिए। बाबूजी दवा तो हम पी चुके बहू, तुम न सिर्फ हमारे इम्तिहान में कामयाब उतरी बल्कि तुमने हमारा भरोसा भी हमें लौटा दिया। क्या है सुंदरी? बाबूजी की ये चिट्ठी। बाबूजी की चिट्ठी पढ़ो। परसों आप जो भाखड़ा नंगल डैम की प्रवृत्ति देखने जा रहे हैं, इसलिए वहां के लोगों ने आपका शुक्रिया अदा किया है। तुम भी हमारे साथ चलोगी बहू, हम कल रात को हवाई जहाज से चलेंगे। अन्ना स्वामी, अयो बावरानी को लेकर बाकड़ा नंगल को जाते हैं? अयो यो चाटा बाबू का पता ही गलजुग का। बड़े बाबू बावरानी को लेकर बाकड़ा नंगल को जा रहे। बाकड़ा नंगल? वो क्यों? इसलिए कि उनके पीछे कोई उनको भड़काए नहीं, और बड़े बाबू बावरानी से कोर्ट में सच बुलवाने को चाहते। चलो टाइम खलास हुआ। अन्ना सुपाई अप्पा चलो। अयो अभी हम कल तीन बात किया, नौ बात बाकी है, वो कौन करेगा? हम क्या जाने? तुम क्या जाने? तुम जाके हवालदार से पूछो ना, हम एक डजन बात का इजाजत लेके आया। जेल में दर्जन के हिसाब से नहीं, टाइम के हिसाब से बातें होती है। अयो तुम हम को झूठ काहे को तुम ऐसा बात करता है? और तुम क्या समझता हम डर जाएगा? हाँ हम डरने वाला नहीं, हम भी कुछ काम नहीं। हाँ अयो अवलदार साहब मिस्टेक गलती हो गया, सॉरी। हम तो मजाक किया गाली, हमको क्या मालूम था तुमको गुस्सा आ जाएगा। हम जाते हैं साहब, हम जाते हैं साहब। जाता है रेखा। हेलो देवनारायण हियर।
क्या बात है, आप खाना छोड़कर चलिए। कल्याणी, तुम्हारे पिता ने तरकश का आखिरी तीर भी छोड़ दिया। हमारी कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि हमारी दरख्वास्त पर मिनिस्टर साहब भाकड़ा में पधारे, और ये हमारा सौभाग्य है कि इनके दर्शन हुए। अब मैं मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि वे भी कुछ फरमाएं। भाकरा आने के बाद मैं तुम लोगों की श्रद्धा और मेहनत देखकर बेहद खुश हुआ। भाइयों, हमारी सरकार की तरफ सिंगल डैम जनता से बड़ी भेंट है। ये डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा, जिसके लिए मैं अपने आजाद भारतवासियों को मुबारकबाद देता हूं। हुजूर, आजादी तो मिल गई, लेकिन वो गरीबी और बेकारी अभी तक बाकी है। भला कितने साल और चलेगा ऐसा, कब सुखी होंगे हम? जिस तरह आम का पौधा लगाने वाले की औलाद को उसका मीठा फल मिलता है, उसी तरह अगर हम सब्र से काम करते जाएं, तो हमारे बच्चों का भारत अवश्य सुखी होगा। कहने का कोई हक हाँ नहीं। क्यों, क्या मैं आपकी स्त्री नहीं? तुम स्त्री नहीं बल्कि स्त्री जाति के माथे पर कलंक का टीका।
ये आप कह रहे हैं? आज मैं कह रहा हूँ, कल सारी दुनिया कहेगी। इस पत्नी ने अपने पति की जान ले ली। ऐसा न कहिए, ऐसा न कहिए। मैं आपको कैसे बताऊं कि आपकी जिंदगी मुझे कितनी प्यारी है। इसीलिए मेरे खिलाफ गवाही दी जा रही है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ही जिंदगी जिंदगी की दुश्मन बन जाएगी। मैं आपकी दुश्मन नहीं, मैं सच बोलने पर मजबूर हूँ। इससे पहले कि तुम मेरे खिलाफ गवाही दो, मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा, जान से मार डालूंगा। हाँ, मार डालिए मुझे, मार डालिए मुझे, मार डालिए। तुम एक जुर्म से बचने के लिए दूसरा जुर्म कर रहे हो जिसकी गवाही मुझे देनी पड़ेगी। अब मैं इसका मौका नहीं आने दूंगा। खबरदार, हमें ऐसी धमकी देकर हमारी शान में गुस्ताखी न करो। अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली हमारे सीने से पार होगी। जीत रहो बेटा, इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था कि हमारे ही कलेजे का टुकड़ा हमारे ही खून का प्यासा बने। शोर मचाकर मुझे गिरफ्तार कराने की कोशिश ना कीजिए। जिस दिन आपने मुझे गिरफ्तार कराया था उस दिन पिस्तौल आपके हाथ में था। तो चलाओ गोली हमारे सीने पर और तड़पने दो हमारी लाश को सच्चाई के कदमों में। अगर हमारा खून तुम्हारे दामन से जुर्म के धब्बे धो सकता है तो धो डालो उन धब्बों को और मिटा दो दुनिया से इंसाफ का नाम। झूठी दगाबाज, रेखा पिस्तौल वापस कर दो। बाबूजी से माफी मांगिए। पिस्तौल वापस कर दो रेखा, मैं कहता हूँ पिस्तौल वापस कर दो। स्वामी मैं कहती हूँ बाबूजी से माफी मांगिए। रेखा मैं फिर कहता हूँ पिस्तौल वापस कर दो। रुक जाइए वरना, काश आप मेरे पति ना होते। रेखा, हाँ केदार, देखो ये सोने की पेटी है ना, इसे पुरानी जगह पे पहुंचा दो। यस बॉस। और ये शराब की पेटी है, इसे उस कोने में रख दो और घास फूस डाल दो इस पे। अच्छा बॉस। सुनो, तुम लोगों को यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं है? नहीं बॉस, किसी ने नहीं। तुम यहीं ठहरो, चलिए सुंदरलाल जी। अरे पियो पियो भाई, अरे दूध तो पीना, अब तुम क्यों बैठो ना। आओ तू क्या वो दाम को लगा कर। अरे अरे तू जो, अरे बाबा मिस्टर डब्बो, अरे मेरी तुम्हारे हमको मिलने आया। मेरी तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। शादी करना मांगता है मेरी। तुम करो, 10 बच्चों को संभालू मैं, इतने बच्चे हैं। अब मैं कौन? जो कर ये सब कर। कौन है आप? कौन है? मैं कौन? He's my husband. How do you do? हाँ तो मैं तो लगा हूँ। How do you do? क्या बात है? तो तुमने इस शादी कर हाँ, इसके साथ शादी बनाया। अच्छा किया। चलो सुंदरी, ए सुंदरी, अरे देख तो सही कैसी फिर आई है। अरे वो आप शादी कर ली उसने है। इसका ये मरा ये लंबू। शादी किया जी? जी वहाँ आएंगे अम्मा, तुम शादी किया अम्मा? आइए अय्या, हमको माफ करो अम्मा, हम तुमको जिंदगी भर सताया अम्मा। तुम भी हमको माफ कर। हम किया अम्मा माफ किया, तुम कितने अच्छे है जी। भगवान तुमको 10 बेटा देना हमारी तरह अम्मा। बाय बाय। भगवान मेरा पीछा चूड़ा है भाई से। कल विजय की पेशी है, ख्याल रखना।
कहीं तुम्हारे कदम डगमगा न जाए। रेखा, बुजदिलों की मौत मरना चाहती हो? अभी भी वक्त अदालत में कह देना। खून किसने किया है मुझे मालूम नहीं। नहीं, जरा सोचो तो बेटी। तो गीता की सौगंध हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी। क्या आप बता सकती हैं कि इंस्पेक्टर प्रभात सिंह का किसने और किस वक्त किया? पुलिस का कहना है कि आपने खूनी को भागते हुए देखा है। जिस वक्त इंस्पेक्टर प्रभात सिंह पर गोली चलाई गई आप वहां मौजूद थीं। क्या आप बता सकती हैं कि खूनी कौन है? आपके पति विजय नारायण, जिन पर इंस्पेक्टर प्रभात सिंह के खून का इल्जाम है, क्या आप उन्हें खूनी तस्लीम करती हैं? बोलिए, जवाब दीजिए। बहू, मुझे वचन दो कि तुम हमेशा सच्चाई पर चलोगे। मैं वचन देती हूँ, इस घर की दीवारें हमेशा सच्चाई की बुनियाद पर खड़ी रहेंगी। जीती रहो। प्रभात सिंह फर्ज का वो भारी पत्थर है जिसे आसानी से धकेल कर तुम नहीं जा सकते। मैं कहता हूँ हटा, मैं जाती हूँ। आपने क्या किया? आपको देखा गवाह सिर्फ एक तुम ही हो रेखा, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी जबान मेरे खिलाफ कभी नहीं घुस सकती। रेखा, मेरी जिंदगी और मौत तुम्हारे होंठों में बंद है। बहू, विजय से मिलकर आ रही हो? जी, मैं जरा वो तुम्हें सब कुछ मालूम है। बताओ विजय कहाँ है? जी, वो कहाँ है मुझे नहीं मालूम। आज हमारी बहू हमसे पहली बार झूठ बोल रही है। बाबूजी, मुझे माफ कीजिए, मैं पत्नी धर्म का पालन कर रही हूँ। पत्नी धर्म से देश धर्म कहीं ज्यादा है बहू। उधर देखो, वो क्या है? राष्ट्र चिन्ह। क्या लिखा है उस पर पढ़ो, और इतनी जोर से पढ़ो कि तुम्हारी आत्मा सच बोलने पर मजबूर हो जाए। सत्यमेव जयते। अगर मेरे सुहाग की मौत से इंसाफ मांगने वालों के कलेजे ठंडे हो सकते हैं तो सुनिए, मैं ये कुर्बानी भी दे देती हूँ। सुनिए, जिस वक्त इंस्पेक्टर प्रभात सिंह पर गोली चलाई गई मैं वहां मौजूद थी, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे पति विजय नारायण ने इंस्पेक्टर प्रभात सिंह पर गोली चलाई। स्वामी, मुझे माफ करना, सच्चाई और इंसाफ मांगने वालों ने मुझे पत्नी धर्म का पालन नहीं करने दिया। अदालत मेंबरान ज्यूरी की राय से इत्तेफाक करते हुए विजय नारायण देव नारायण को इंस्पेक्टर प्रभात सिंह के कत्ल का मुजरम करार देकर जेर दफा 302 ताजीरात हिंद फांसी की सजा देती है।
लेकिन